हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो इसमें तीन क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। डिस्कस इन डिटेल ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, अगर हमें डिटेल में डिस्कस करने के लिए आए। दूसरा है ऑब्जेक्टिव हमसे पूछे ब्लूम की टैक्सोनॉमी के। और तीसरा है वो कहे कि टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव गिवन बाय ब्लूम। ब्लूम ने जो हमें टैक्सोनॉमी दी थी उसके इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उन्हें डिस्कस करो। तो इन तीनों क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि पहले ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव लिखना है, उसके बाद है कि कौन कौन से हमारे एस्पेक्ट्स हैं इस टैक्सोनॉमी के। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो कह रहा है कि एटिमोलॉजिकली स्पीकिंग द वर्ड टैक्सोनॉमी, इसका मतलब होता है ओरिजिन कहाँ से हुआ है टैक्सोनॉमी का। तो इसने बोला कि ग्रीक वर्ड से हमें हमारा वर्ड टैक्सोनॉमी लिया गया है, जिसमें कि टैक्सिस और नेम्स दो वर्ड्स हैं, जिसमें कि टैक्सिस का मीनिंग है अरेंजमेंट और नेम्स का मतलब है लॉ। तो इसका लिटरली मीनिंग क्या हुआ, लॉ ऑफ अरेंजमेंट। तो फिर कह रहे हैं कि एजुकेशन मीन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। अब हम एजुकेशन लेने जाते हैं स्कूल्स में, डिग्री लेना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है किसी भी एजुकेशन का। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने। बिहेवियर में चेंजेस, जैसे हम कहते हैं कि तुम तो गवार हो, उस गवार का मतलब क्या होता है, तुम्हें एजुकेशन नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें तो और तरीके नहीं हैं, उस गवार का मतलब ये होता है। तो हम जब पढ़ाई, हम जैसे तुम लोगों ने देखा होंगे बहुत ज़्यादा डिसेंट पर्सन होते हैं, जेंटलमैन होते हैं वो, अच्छे उनकी ड्रेसिंग सेंस होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी होती है। तो ये सब क्या है, एजुकेशन से आता है, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंजेस करने के लिए हम एजुकेशन लेते हैं। तो देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, फर्स्ट इज कॉग्निटिव, सेकंड इज अफेक्टिव और थर्ड इज साइकोमोटर। तो फर्स्ट कॉग्निटिव किससे रिलेट करता है, नोइंग से, हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, ठीक है। सेकंड अफेक्टिव डोमेन रिलेट करता है फीलिंग्स के ऊपर, फीलिंग्स में इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, वैल्यूज आ जाती हैं हमारी। और साइकोमोटर से मतलब है हमारा कि हम किसी चीज़ को करके और तब समझ रहे हैं, ठीक है। हमें मान लो कोई, हमने प्रैक्टिकल वर्क किया, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी चीज़ में, मान लो हम आप कॉमर्स से रिलेटेड हो, रिलेट करते हो सारे स्टूडेंट, तो टैली होती है। अब टैली तुम बुक्स में कितना ही पढ़ लो कि इस की से ये होता है, इस की से ये होता है, यहाँ से ये होता है, पर एक्चुअल में तुम्हें नॉलेज तब पड़ी होगी जब आप लोग कंप्यूटर पर बैठोगे और सॉफ्टवेयर पर काम करोगे। तो उससे हमें क्या होगी, एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, नॉलेज गेन होगी। तो फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव डोमेन, इसमें क्या होता है, हमें रिकॉल करते हैं या फिर रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी नॉलेज को। रिकॉल और रिकॉग्नाइज का मतलब है मेरे को, हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, उसको फिर से हम याद कर रहे हैं और उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमने बोला कि बादल जो हैं वो वाइट कलर के होते हैं, और क्या है, पानी से उनमें क्या पानी भरा रहता है, वो जब ठंडे हो जाते हैं तो नीचे बारिश हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो बुक में जो नॉलेज पढ़ी थी उसे रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे तो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उस नॉलेज को क्या कर रहे हैं, हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, और अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और स्किल्स को क्या कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं। और कौन कौन सी वो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कौन सी हुई, थिंकिंग, कोई बात सोच रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बुक में जो हमने नॉलेज पढ़ी थी उससे हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। तो हेयर द टीचर इज़ इंटरेस्टेड इन वॉट द पीपल विल डू। तो यहाँ पे टीचर इस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है कि जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा। तो आप एक बात और आप समझ ले
लोग के आप बीएड करने के बाद कोई भी टेट एग्ज़ाम दोगे उसमें क्या होता है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसमें क्या क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, हो सकता है उसमें ये पूछे कि ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो कहाँ से, ग्रीक वर्ड से, जिस उसमें कि टैक्सिस का मीनिंग क्या है या नेम्स का मीनिंग क्या है या फिर लिटरली मीनिंग क्या है उसकी टैक्सोनॉमी का, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कितने डोमेन हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं कि उसमें एक कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर और 3 और एक और कोई अलग से एग्जाम वो दे दिया है, ऑप्शन दिया है। उसमें ये पूछा है कि कौन सा इसमें से ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो है एस्पेक्ट है वो नहीं है, तो अब उस इन तीनों में से जो चौथा ऑप्शन होगा उनमें से वो कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। अब उसके बाद बोल रहा है कि कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड करता है, हमें 4 ऑप्शन दे देंगे, किससे करता है, नोइंग से। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेट करता है, हमें 4 ऑप्शन दिए हों, हमें ये पता है कि फीलिंग से रिलेट करता है। साइकोमोटर क्या होता है, मोटर मतलब अपनी मोटर स्किल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम स्किल को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो डूइंग से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये सब हमें बीएड के उस पे भी पढ़ना है, अपने एग्ज़ाम क्लियर करना है, और हमें किस उससे पढ़ना है कि आगे हमें टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसमें भी सेम यही बुक्स आएंगी, इन्हीं का सिलेबस आएगा। तो प्लीज़ ये दोनों साइड से पढ़ते हुए चले, क्योंकि कभी कभार ना आप लोग प्रीवियस ईयर जो है पेपर हैं हमारे उनको भी अपने पास में रखा कर रहे हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है कि ऐसे पढ़ना होता है, और फिर हमें यही बुक्स ना दोबारा दोबारा वो नहीं देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं थ्योरी की, उस पर क्या हमें थ्योरी का पेपर देना है, ठीक है। हम इस बेसिस पर भी पढ़ें कि इसमें से अगर MCQ निकल के आता है तो वो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव में क्या कह रहा है कि अफेक्टिव डोमेन में आता है, इंक्लूड करता है वो डिस्क्राइब चेंजेस इन इंटरेस्ट एटीट्यूड्स वैल्यूज एंड द डेवलपमेंट ऑफ एप्रिसिएशन और एडिक्वेट एडजस्टमेंट के साथ। तो टीचर यहाँ पे ये देखना चाह रहा है कि व्हाट द पीपल डू इट एंड विद इट, इसके साथ जो है स्टूडेंट वो क्या करेगा। तो कॉग्निटिव डोमेन में टीचर क्या जानना चाह रहा था, व्हाट द पीपल विल डू, और अफेक्टिव डोमेन में क्या जानना चाह रहा है कि व्हाट द पीपल डू इट एंड और विद इट। थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन, तो ये डूइंग से रिलेट, हम कोई चीज़ काम कर रहे हैं अपने मोटर स्किल्स को यूज़ करके, अपने हाथों को, दिमाग को, आँखों को, इन चीज़ों को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ये मोटर स्किल एरिया को क्या करता है, इंक्लूड करता है। यहाँ पे टीचर इस बात में कंसर्न करता है कि हाउ टू डू इट, ये कैसे करेगा। क्लास में 10 बच्चे हैं, उनको सबको एक टास्क दे दिया है कि हमें ये चीज़ बनानी है, ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, और सबका सेम ही टॉपिक है, पर आप लोग देखोगे कि सबका जो प्रोजेक्ट होगा वो सेम नहीं होगा, सब अपनी अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए अपनी अपनी तरह से प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो यहाँ पे वो देखना चाह रहा है कि हमने कितनी नॉलेज स्टूडेंट के पास है और उसे यूज़ करते हुए वो क्या करने वाला है। तो ब्लूम ने 6 कैटेगरीज अपने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, अरेंज किया है, जिसमें कि सबसे पहले है व्हाट, डूइंग व्हाट और डूइंग हाउ। तो व्हाट में क्या आया हमारा, कॉग्निटिव डोमेन, और डूइंग व्हाट में आया हमारा अफेक्टिव डोमेन, और डूइंग हाउ कैसे करना है वो किस में आया हमारा, साइकोमोटर डोमेन में। तो कॉग्निटिव डोमेन में हमारे कौन कौन से कैटेगरीज आती हैं, सबसे पहले आता है नॉलेज, फिर हम उसे अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। उसका चार्ट आप इस तरह से भी देखोगे कहीं साइड पे, अगर ब्लूम की टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स देखोगे तो वहाँ पे सबसे नीचे होता है कि नॉलेज, उसके बाद होता है हमारा कंप्रीहेंसिव, या फिर इसे अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। नेक्स्ट इज अफेक्टिव डोमेन में कौन कौन से आते हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन।
फिर उसके बाद साइकोमोटर में कौन से आते हैं, इम्पल्सन। इम्पल्सन मतलब कोई की चीज़ हमें करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि हमें ये काम करके ही सीखना है, ठीक है। उसके बाद इमिटेशन, कोई सामने वाला कर रहा है उसी को जैसे हम इमिटेट करके उसकी नकल करके हम भी करना शुरू कर देते हैं। मैनिपुलेट, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, सामने वाला जैसे कर रहा है हम उसमें कुछ चेंजेस करके और एक अपना ही कुछ नया कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और हैबिट फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट इज, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ब्लूम ने जो ये ऑब्जेक्टिव दिए हैं तीन ग्रुप्स में बांटा है, अभी पढ़ा था कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है। और साइकोमोटर को क्या बोलते हैं, कहीं कहीं ये कॉग्निटिव भी लिखा हुआ आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ये क्या है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। साइकोमोटर आल्सो कॉल्ड एज कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो कॉग्निटिव में क्या हमने अभी पढ़ा, नॉलेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उसके बाद एप्लीकेशन, एनालिसिस, उसके बाद सिंथेसिस एंड इवेल्यूशन। तो नॉलेज, नॉलेज मतलब किसी चीज़ को रिकॉल करना, स्पेसिफिक्स को, एंड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब कोई भी एक नॉलेज है किसी के बारे में हमारे पास नॉलेज है उसे क्या करना, रिकॉल करना, या फिर इसे हम ये बोल सकते हैं रोट लर्निंग से क्या करता है, रिलेट करता है। ये जो चीज़ हमें कोई पढ़ाई गई थी उसी को रिकॉल कर रहे हैं, उसमें ना कोई चेंजेस कर रहे हैं ना कुछ अलग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉल सिचुएशन इन्वॉल्व्स लिटिल मोर देन ब्रिंगिंग इन माइंड द एप्रोप्रिएट मटीरियल। ये क्या करता है, दिस लेवल गिव्स मोर एम्फसिस ऑन मेमोरी। हम कोई चीज़ को याद कर रहे हैं, किसी चीज़ को पुरानी को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपनी मेमोरी पे क्या डाल रहे हैं, एम्फसिस डाल रहे हैं, जोर दे रहे हैं उस पर अपनी मेमोरी पे। तो यहाँ पे क्या है, इसको फर्दर डिवाइड किया है, ए में हमें स्पेसिफिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, बी में हमें वेज और मीनिंग्स ऑफ डीलिंग स्पेसिफिक्स, उन स्पेसिफिक्स को पहले तो उनकी नॉलेज होनी चाहिए, फिर उनसे डील करने के क्या वे हो सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन इन ए फील्ड, ठीक, उस वाली फील्ड में क्या हो सकते हैं यूनिवर्सल, जो कि सब लोग उसी को अप्लाई करें, ऐसी क्या चीज नॉलेज हो सकती है हमारी। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती हैं, जो कि सिर्फ आइडिया होता है, अभी वो रियल किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे माइंड में क्या है वो आइडिया है किसी चीज़ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले स्पेसिफिक्स की नॉलेज का मतलब क्या हुआ, हमें किसी चीज़ की टर्मिनोलॉजी या फिर स्पेसिफिक फैक्ट्स के बारे में पता हो। टर्मिनोलॉजी का मतलब, मैं अगर बायो पढ़ रही हूँ तो मुझे वहाँ की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, मैं कॉमर्स पढ़ रही हूँ उसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जैसे कि डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, असेट्स होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, तो ये क्या हैं, सारी हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं। नेक्स्ट इसमें स्पेसिफिक फैक्ट्स, स्पेसिफिक फैक्ट का मतलब क्या है कि हमें ये पता है कि कॉमर्स जो है, मतलब हम अगर अकाउंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या है, असेट जो होती है, अगर वो लाइबिलिटीज जो हैं वो असेट से कितनी ज़्यादा हैं, उनका एक परफेक्ट रेशो होता है, एक परफेक्ट निक उनका एक आइडियल रेशो होता है कि उससे अगर वो ज़्यादा हैं तो कंपनी के लिए थोड़ा डेंजर है। तो ये कुछ है, क्या है, फैक्ट्स हैं। उसके बाद है कि उन स्पेसिफिक्स से डील करने के क्या वेज हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमें उनकी कन्वेंशंस के बारे में पता होगा, अकाउंट्स में पढ़ा है हमने, कन्वेंशंस पढ़ी है, ट्रेंड्स और सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज के बारे में पता होना चाहिए, क्राइटेरिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मेथोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। यूनिवर्सल और एब्स्ट्रैक्शन में क्या आता है कि हमें उनके प्रिंसिपल्स और जनरलाइजेशन पता होने चाहिए। हमने क्या पढ़ा था अकाउंट्स में, अगर आपने 11th में स्टार्टिंग में जब हम कॉमर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें होता है हमारे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वो इंडिया में भी होते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में आप जाओगे अकाउंट्स यूज़ करोगे उन्हीं प्रिंसिपल्स पे क्या है कोई भी हम अकाउंट्स बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थ्योरीज होती हैं और उनके स्ट्रक्चर्स की
नॉलेज होनी चाहिए। थ्योरीज कभी आपने देखा होगा, साइंस में भी देखा होगा, तो वो क्या होती है, वो इंडिया में ही नहीं होती है, फिजिक्स की में अगर या केमिस्ट्री में कोई भी थ्योरी है हमारी, या फिर इकोनॉमिक्स में कोई भी थ्योरी है, तो वो इंडिया में ही अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं वहीं पे एप्लीकेबल नहीं है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, एप्लीकेबल है। तो ये नॉलेज हमें यूनिवर्सल चीज़ों की भी क्या है, नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ, ये सबसे पहले तो लोअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, लोअर लेवल है, सबसे लोअर क्या होती है, नॉलेज होती है, उससे ऊपर क्या आती है, कॉम्प्रिहेंशन आती है। तो ये क्या है, हमें ये बताती है टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कि इंडिविजुअल नोज व्हाट इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड, क्या हमें कम्युनिकेट करना है, और जो अपना मटेरियल है उसे कैसे यूज़ करना है, एंड कैन मेक यूज़ ऑफ दैट मटेरियल। उसके बाद उसने बोला है तीन टाइप की एक्टिविटीज़ आती हैं कॉम्प्रिहेंशन में। सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसलेट करना है स्पेसिफिकेशंस को, प्रिंसिपल्स को और थ्योरीज़ को। उसके बाद उन्हें इंटरप्रेटेट करना है, प्रिटेशन करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट करना है। उसके बाद एक्सट्रापोलेशन ऑफ द अबव कंटेंट, एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है कि अपना ही ओपिनियन या फिर जजमेंट लगाना किसी भी सिचुएशन के लिए रिगार्डिंग, मतलब एक कोई भी सिचुएशन है, मान लो दो लोगों की लड़ाई हो रही है, तो हमने उसमें सिचुएशन ये लगा ली कि हम बोल रहे हैं कि इसकी गलती होगी, और दूसरा बंदा आके बोल रहा है नहीं नहीं ये तो ऐसा लग रहा है हमें शरीफ सा, और शायद इसी की गलती होगी, या फिर तीसरा आ रहा है कि ये इस एरिया से रिलेट करता है तो वहाँ के लोग तो ऐसे ही गुंडे होते हैं, तो इसी की गलती होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी ओपिनियन लगा रहे हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई करना। अब मेरी जितनी भी नॉलेज मैंने इकट्ठी की है उसे मैं क्या कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यूज़ इट इंक्लूड द यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन अ पर्टिकुलर एंड कंक्रीट सिचुएशन। अब कोई भी चीज़ है उसे क्या, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कोई मेरे दिमाग में आइडिया था और उसे क्या कर रही हूँ मैं, किसी भी पर्टिकुलर या कंक्रीट सिचुएशन में उसे अप्लाई कर रही हूँ। तो एब्स्ट्रैक्शन में भी फॉर्म ऑफ जनरल आइडियाज़, एब्स्ट्रैक्शन में जो है वो जनरल आइडियाज़ हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं या थ्योरीज हो सकती हैं। अब जो मैं बोलूँ कि न्यूटन का ये वाला लॉ ये कहता है कि इतनी दूर से आप कोई भी चीज़ फेंकोगे तो वो तुम्हारे पास वापस आएगी, या भी इतनी दूर वापस चली जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या है, मैं खेल रही हूँ कहीं पे भी, और मैं उस लॉ को यूज़ करते हुए किसी सामने वाले पर्सन पे क्या कर रही हूँ, वो बॉल थ्रो कर रही हूँ उसी फोर्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स मैंने बुक्स में पढ़ा हुआ था, कि कोई भी थ्योरी थी उसमें ये पढ़ा हुआ था उस लॉ के बारे में। तो मैं उसे क्या है, अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इसमें भी थ्री लेवल्स हैं। सबसे पहले मेक जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। जनरलाइजेशन का मतलब कोई जजमेंट निकालना, कोई रिजल्ट फाइंड आउट करना किसी फैक्ट से, प्रिंसिपल से और थ्योरी से। इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप अमंग द एलिमेंट्स, कोई भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें दो एलिमेंट में क्या रिलेशन है वो इस्टेब्लिश करना, और फॉर्मुलेट सम प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट। तो हम क्या कह रहे हैं कि और उन जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे कुछ प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, मीडियम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मीडियम लेवल मतलब ये बीच में आता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, इसमें थ्री कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकंड इज रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे ये एनालिसिस का मतलब अगर मैं जनरल मीनिंग में बोलूँ कि किसी भी चीज़ को ये क्या कह रहा है, सेपरेट करना मटेरियल को या फिर कंपोनेंट्स को, कि उसके पार्ट्स को। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक पेड़ देखा, पेड़ को देखे मैंने क्या बोला, ये इसके ट्री के जो हैं ब्रांचेस हैं, ये इसके लीव्स हैं, ये इसके रूट्स हैं, मतलब ये इसकी जड़ें हैं, तना है, पेड़ है, मतलब सॉरी लीव्स हैं, पत्ते हैं इसके या फल हैं। तो मैंने एक सिंगल पेड़ को देखा
और उसमें सब चीज़ों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। या मैंने एक फूल को देखा, फूल में भी आपने साइंस में पढ़ा होगा ये वाला भाग होता है, वो वाला भाग होता है, तो ये सारे क्या चीज़ें एक ही चीज़ है, उसे क्या कर रहे हैं हम एक सिंगल चीज़ को सेपरेट करके, ठीक है, उसके कॉम्पोनेंट या उसके पार्ट्स को सेपरेट करके या फिर उस मटीरियल को सेपरेट करके हम क्या कर रहे हैं उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या है कि हमने टुकड़े देखे हैं किसी चीज़ के और उसे यूनिक उसे क्या कर रहे हैं हम फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं इसी चीज़ को अलग अलग कर देती हूँ कि मैंने किसी भी चीज़ के, पहले मैंने बोला कि इसकी तो जड़ें भी हैं, इसके तना भी है, इसकी ब्रांचेस भी हैं, इसमें तो लीव्स भी हैं, इसमें तो फल भी लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक पेड़ है, ठीक है। या फिर मैं देखूँ इस पे येलो कलर के कोई भी फ्रूट लगे हुए हैं जो कि दिखते हैं आम की तरह, तो मैंने बोल दिया कि ये क्या है, एक आम का पेड़ है। उसके पत्ते जो हैं वो सिमिलर हैं, उसका कलर जो है फ्रूट का वो सेम है, शेप जो है वो सेम है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ट्री है वो मैंगो ट्री है। तो अब मैंने क्या किया, अलग अलग चीज़ों को देखा और मैंने उसे क्या कर दिया एज ए यूनिक या फिर एज ए होल जो है उसे डिस्क्राइब कर दिया, न्यू मीनिंग निकाला है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ, इसमें भी इसमें थ्री लेवल्स हैं, कौन कौन से, प्रोडक्शन ऑफ ए यूनिक कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ ए प्लान, प्रपोज सेट ऑफ ऑपरेशंस, डेरिवेशन ऑफ ए सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस। डेरिवेशन का मतलब है कि जो हम सोच रहे हैं उससे ये कितना अलग है, ठीक है। मतलब मैं इसके मैंने मैंगो के ट्री के जो लीव्स हैं वो पत्ते हैं वो मैंने देखे हुए हैं, और जो ये मैं पत्ते देख रही हूँ ये उससे कितने अलग हैं या फिर कितने सिमिलर हैं, तो उसी के बेसिस पे मैं ये पता लगाने की कोशिश करूँगी कि ये जो पेड़ है ये जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये उससे सिमिलर है या बहुत ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमने चार्ट में देखा सबसे ऊपर क्या आता है, ये टॉप लेवल जो होता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में क्या आता है, प्रीरिक्विजिट्स ऑफ दिस कैटेगरी, ठीक है, इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जजमेंट। क्वांटिटेटिव मतलब अच्छा है बुरा है, इस उसमें भी कोई जजमेंट दे रहे हैं, और कितना अच्छा है, 5% अच्छा है, 10% अच्छा है, इसमें भी हमें जजमेंट मिल रही है, ठीक है। अबाउट द एक्सटेंट ऑफ विच द मटीरियल एंड मेथड सेटिस्फाई क्राइटेरिया। तो इसमें टू लेवल्स हैं, फर्स्ट है इंटरनल जजमेंट किसी भी मटेरियल या मेथड की, और सेकंड इज एक्सटर्नल जजमेंट ऑफ द मटेरियल एंड मेथड्स। उसके बाद है जी अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। तो ये हम कल पढ़ते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।